ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन ऑफ एशिया, इंडियाज फोर्थ हेरिटेज टॉय ट्रेन ऑफ इंडिया। ये है समुन्दर से अप्रोक्स 2600 फीट हाइट, मुंबई से 90 किलोमीटर एंड पुणे से 120 किलोमीटर दूर। महाराष्ट्र के बहुत ही खूबसूरत प्यारे हिल स्टेशन माथेरन। माथेरन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, फूडिंग फैसिलिटी, लॉजिंग फैसिलिटी। माथेरन में आप एक दिन में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो, आपका आइटिनरी बजट कॉस्टिंग क्या आएगा, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में वन बाय वन शेयर करूंगा। हैशटैग माथेरन टूरिस्ट प्लेसेस, हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया, हैशटैग महाराष्ट्र टूरिस्ट प्लेसेस, ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका फ्रेंड सौरभ राज और आप देख रहे हो राइट राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। महाराष्ट्र बिगेस्ट वाटरफॉल सिलिया वाटरफॉल, सार्लोट लेक वाटरफॉल, लॉर्ड्स पॉइंट, किंग गार्गो पॉइंट, खंडाला व्यू पॉइंट, इको पॉइंट, लॉर्ड्स पॉइंट, हनीमून व्यू पॉइंट के साथ वेस्टर्न घाट माथेरन हिल्स के टोटल 11 मेजर टूरिस्ट प्लेसेस। महाराष्ट्र टूरिज्म के साथ ए ब्लॉक में वर्चुअली आपके साथ वन बाई वन एक्सप्लोर करने का कोशिश करूंगा। द बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई से माथेरन का डिस्टेंस है ओनली 85 किलोमीटर एंड पुणे से डिस्टेंस है 117 किलोमीटर एंड माथेरन नियर बाई रेलवे स्टेशन निरल। मुंबई सीएसएमटी स्टेशन से एवरी 30 मिनट्स के इंटरवल में आपको निरल के लिए लोकल ट्रेन मिल जाएगा। टिकट प्राइस ओनली 25 रुपीस। निरल एक नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर मॉर्निंग 8:50 AM एंड 10:25 AM माथेरन के लिए नैनो हेरिटेज टॉय ट्रेन मिल जाएगा। विस्टाडोम टिकट प्राइस 750 रुपीस, फर्स्ट क्लास टिकट प्राइस 330 रुपीस, सेकंड क्लास टिकट प्राइस 85 रुपीस। टिकट ऑनलाइन में बुकिंग नहीं होता है, आपको निरल आके ही ऑफलाइन में टिकट बुकिंग करना है। 21 किलोमीटर निरल टू माथेरन हेरिटेज टॉय ट्रेन जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ बारिश के लिए बंद रहता है। माथेरन के लिए टॉय ट्रेन चलता है अमन लज से। हम लोगों को टॉय ट्रेन नहीं मिला, निरल से हम लोगों को अभी पहुंचना है अमन लज। निरल स्टेशन से बाहर अमन लज के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा। शेयरिंग एडल्ट टिकट प्राइस 5% 100 रुपीस एंड चिल्ड्रेन 50 रुपीस। निरल स्टेशन के बाहर आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट में आपको इधर पूरी, समोसा, डोसा, बड़ा पाव मिल जाएगा। मॉर्निंग में हल्का ब्रेकफास्ट करके आपको सफर शुरू करना है। टैक्सी टोटल 6 पैसेंजर लेके अमन लज के लिए रवाना हुआ। अभी टाइम है 9:30 AM। निरल से टैक्सी का भी डिपार्चर हो गया अमन लॉज के लिए। अमन लॉज से माथेरन बाय रोड डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर। निरल से 3 किलोमीटर आने के बाद हिल्स रोड स्टार्ट हो गया। निरल एल्टीट्यूड ऑफ 117 फीट एंड माथेरन एल्टीट्यूड ऑफ 2625 फीट। हम लोग अभी 117 फीट से धीरे धीरे 2600 फीट तक ऊंचाई पे चढ़ेंगे। नेरोल से माथेरन जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ के व्यू बहुत सीनिक है। रास्ते में हम लोग माथेरन टॉय ट्रेन लाइन को 3 बार क्रॉस करेंगे। नेरोल से 4.9 किलोमीटर डिस्टेंस पे है माथेरन वाटरफॉल। शेयरिंग टैक्सी इधर नहीं रुकेगा, बट आप अगर प्राइवेट कार और बाइक लेके आ रहे हो तो आप ये वाटरफॉल के पास रुक सकते हो। मॉर्निंग 10:10 हम लोग पहुंचे अमन लज। ये है अमन लज टैक्सी स्टैंड। अगर आप प्राइवेट कार और बाइक लेके आ रहे हो, आपका कार एंड बाइक को अमन लज में ही पार्किंग करना है। टैक्सी स्टैंड से थोड़ा आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड में है माथेरन एंट्री गेट टिकट काउंटर एंड टिकट काउंटर के राइट हैंड साइड में है अमन लज पार्किंग एरिया। टू व्हीलर पार्किंग चार्जेस पर डे 30 रुपीस एंड फोर व्हीलर 40 रुपीस। माथेरन एंट्री गेट के लेफ्ट हैंड साइड माथेरन व्यू पॉइंट का नाम लिखा है। आप व्यू पॉइंट का नाम देख के आप अपने डेस्टिनेशन सेट कर सकते हो। एंट्री गेट के राइट हैंड साइड में है माथेरन टिकट काउंटर विंडो। माथेरन हिल्स एंट्री टिकट कॉस्ट पर पर्सन एडल्ट 50 रुपीस एंड चाइल्ड 25 रुपीस। माथेरन के लिए मैं इधर टिकट ले लिया और इधर डिजिटल पेमेंट नहीं होता है, आप अपने साथ कैश लेके आओ। पीछे आप अपना टिकट बुक करने के बाद इधर आपका टिकट चेकिंग करके अंदर जाना है। और इधर देखिए, इधर वाटर एटीएम फैसिलिटी भी है। आप अगर वाटर बॉटल कैरी करोगे तो आप इधर से वाटर फिल अप कर सकते हो। ट्रेन अभी है। टिकट चेक करके एक बड़ा सा एक नेट फेंसिंग के अंदर से आपको माथेरन के अंदर एंट्री करना है। एशिया ओनली ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन माथेरन के अंदर ऑल टूरिस्ट प्लेसेस। हम लोगों को अभी पैदल घूमना है या फिर हैंड रिक्शा से, और आप अगर चाहो तो घोड़े लेके भी माथेरन के अंदर ऑल टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हो।
माथेरन एंट्री गेट से अप्रोक्स 200 मीटर डिस्टेंस पे है आमनलज टॉय ट्रेन स्टेशन। आमनलज से मॉर्निंग 8:45 एएम से टोटल 9 ट्रेन चलता है माथेरन के लिए। टिकट काउंटर से मैंने माथेरन के लिए टिकट ले लिया। माथेरन टॉय ट्रेन में 2 टाइप का सीटिंग फैसिलिटी है, एक है फर्स्ट क्लास और एक है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास टिकट चार्जेस है 330 रुपीज एंड सेकंड क्लास टिकट चार्जेस है 50 रुपीज। और इधर ट्रेन का सीट बहुत लिमिटेड है, सीट अगर फुल हो जाएगा तो आपको टिकट नहीं मिलेगा और आप ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट टॉय ट्रेन में माथेरन तक सफर नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जल्दी जल्दी आके इधर से आप टॉय ट्रेन का टिकट ले लीजिए। टॉय ट्रेन टिकट काउंटर ओपन होता है टॉय ट्रेन डिपार्चर टाइम के 45 मिनट पहले से। टिकट काउंटर से थोड़ा आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड में है आमनलज रेलवे स्टेशन और स्टेशन का राइट हैंड साइड में आपको एक रास्ता दिखेगा जो आपको पैदल माथेरन तक ले जाएगा। आमनलज रेलवे स्टेशन से माथेरन रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है अप्रोक्स 1.9 किलोमीटर। अगर आपको माथेरन के लिए टॉय ट्रेन का टिकट ना मिले तो आप 500 रुपीज दे के घोड़े या फिर 1000 रुपीज दे के हैंड रिक्शा में आप माथेरन तक सफर कर सकते हो। हम लोग दोपहर 12 बजे का टॉय ट्रेन का टिकट बुक किया। माथेरन टॉय ट्रेन में सेकंड क्लास एफसी एंड ईवी टोटल 3 कोचेस अवेलेबल है। ए है लेदर के सीट, फर्स्ट क्लास कोचेस। 12 पीएम माथेरन के लिए टॉय ट्रेन डिपार्चर होगा। मेरा कोच नंबर है D1, सीट नंबर है 2। दोपहर 12 बजे द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज माथेरन टॉय ट्रेन डिपार्चर हो गया माथेरन हिल स्टेशन के लिए। बहुत मजेदार है टॉय ट्रेन। अप्रोक्स 10-15 किलोमीटर स्पीड में द वर्ल्ड हेरिटेज माथेरन टॉय ट्रेन बादल के अंदर से जा रहा था। आमनलज से ओनली 15 मिनट पे हम लोग पहुंचे माथेरन स्टेशन। माथेरन स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे होटल मिल जाएगा माथेरन में स्टे करने के लिए। होटल आप ऑनलाइन गोआईबीबो मेक माई ट्रिप से बुकिंग कर सकते हो। मैं कुछ होटल का कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहो तो कॉल करके बुकिंग कर सकते हो। रेलवे स्टेशन के बाहर राम मंदिर घोड़ा स्टैंड से आपको घोड़ा मिल जाएगा माथेरन के अंदर ऑल टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए। आप अलग अलग टूरिस्ट प्लेस के नेम एंड प्राइस देख के आप व्यू पॉइंट घूम सकते हो। बट आज हम लोग माथेरन के अंदर ऑल मेजर टूरिस्ट प्लेसेस घूमेंगे पैदल। एवरी व्यू पॉइंट में आपको ऐसा गाइड मैप मिलेगा, गाइड मैप देख के आप अपने पॉइंट सेट कर सकते हो। माथेरन में ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर करने के लिए बहुत सारे वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट मिल जाएगा। खाने का प्राइस आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। माथेरन स्टेशन से ओनली 200 मीटर डिस्टेंस पे है फर्स्ट व्यू पॉइंट राम मंदिर एंड माधव जी व्यू पॉइंट। माधव जी पार्क के अंदर है माधव जी व्यू पॉइंट। पार्क के अंदर बहुत सारे चिल्ड्रेन प्ले एक्टिविटी अवेलेबल है। ये है फर्स्ट पॉइंट माधव जी पॉइंट, बट इधर इतना ज्यादा बादल है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए माधव जी पॉइंट से थोड़ा आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड में है सेकेंड व्यू पॉइंट खंडाला व्यू पॉइंट सनराइज पॉइंट। ये है बहुत ही खूबसूरत खंडाला व्यू पॉइंट। देखिए अभी थोड़ा सा बादल क्लियर होने के बाद इधर से
पूरा ये जो हिल्स का जो वैली जो है वो वैली बहुत अच्छे से इधर से दिखाई दे रहा है। ये है बहुत खूबसूरत खंडाला व्यू पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट अलेक्जेंड्रिया पॉइंट। अभी हम लोग एक खूबसूरत बादलों के बीच से जा रहे हैं अलेक्जेंड्रिया पॉइंट। थोड़ी टाइम पहले इधर धूप था और अभी धूप नहीं है, पूरा क्लाउड से ढक गया है। जंगल के अंदर डर भी लग रहा है क्योंकि कोई नहीं है, सिर्फ अकेला हूँ। देखिए ये रास्ते में आया और आज मंडे है इसलिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। देखिए पूरा घने जंगल, घने जंगल में कुछ दूर चलने के बाद हल्का हल्का बारिश शुरू हो गया और कोई नहीं था, डर भी लग रहा था बहुत, इसलिए मैं वापस आ गया। अगर आप माथेरन आओ तो आप अपने साथ अम्ब्रेला जरूर कैरी करो क्योंकि इधर बारिश होते रहते हैं। नहीं लेके आओगे तो आप इधर से भी अम्ब्रेला परचेस कर सकते हो, बट अम्ब्रेला का चार्जेस लगेगा इधर 300 से 400 रुपीस। अभी हम लोगों को नेक्स्ट व्यू पॉइंट के लिए पूरे 900 मीटर पैदल चलना है। नेक्स्ट व्यू पॉइंट सैलोट लेक के पास लॉर्ड्स पॉइंट। माथेरन स्टेशन से सैलोट लेक डिस्टेंस है अप्रोक्स 2 किलोमीटर। सैलोट लेक के लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे खाने पीने का रेस्टोरेंट मिल जाएगा। सैलोट लेक एंट्री गेट के लेफ्ट हैंड साइड में है लॉर्ड्स पॉइंट एंट्री गेट। लॉर्ड्स पॉइंट एंट्री गेट के लेफ्ट हैंड साइड में है पे एंड यूज टॉयलेट वॉशरूम फैसिलिटी। ये है बहुत खूबसूरत लॉर्ड्स पॉइंट। इधर से आप वेस्टर्न घाट हिल्स के बहुत खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हो। ड्रोन से लॉर्ड्स पॉइंट और भी खूबसूरत लगता है। लॉर्ड्स पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है सैलोट लेक वाटरफॉल। सैलोट लेक वाटरफॉल के पास है बिसारनाथ वाटरफॉल। लॉर्ड्स पॉइंट से हम लोग अभी एंट्री करेंगे सैलोट लेक के अंदर। ये है चारलोट लेक। मेरा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, वैसे भी मेरा हिंदी ठीक ठाक नहीं है, हिंदी सीखने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए प्लीज़ माफ़ कर देना, और सही क्या है आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये है माथेरन हिल्स के बहुत ही खूबसूरत सैलोट लेक। बारिश के टाइम आप अगर माथेरन विजिट करोगे तो आपको पूरे माथेरन में आपको ऐसा एक येलो कलर का फ्लावर देखने को मिलेगा। लेक के एकदम लेफ्ट हैंड साइड में है सैलोट लेक वाटरफॉल। बारिश के टाइम ये वाटरफॉल में पानी ज्यादा रहता है, आप चाहो तो ये वाटरफॉल में नहा सकते हो। आप चाहो तो एक खूबसूरत वाटरफॉल में नहा सकते हो। देखिए बहुत सारे टूरिस्ट इधर आए हैं, सर्फ इधर नहा रहे हैं इधर, बट ये वाटरफॉल से
उस साइड जाना मना है। उधर है बड़ा सा वाटरफॉल जो पूरा खाई में जाके गिरता है। सैलोट लेक वाटरफॉल से ओनली 50 मीटर डिस्टेंस पे है सिलिया व्यू पॉइंट। सिलिया पॉइंट में है माथेरन के बिगेस्ट हाईएस्ट वाटरफॉल पिसारनाथ वाटरफॉल। अभी आप पिसारनाथ वाटरफॉल के वर्चुअली ड्रोन फुटेज एंजॉय करो। स्टेशन से बाहर निकल के हम लोग राइट हैंड साइड से व्यू पॉइंट देखना स्टार्ट किया। ऐसे घूम के ये लेक साइड आए। अप्रोक्स आधा पॉइंट हम लोग कवर कर लिए। वो आधा रास्ता रोड का कंडीशन ठीक था बट लेक के बाद रास्ता ठीक नहीं है। देखिए ऐसे है, पैदल चलना मुश्किल है। पैदल चलते चलते आपका सांस फूल सकता है बट आप चिंता ना करें, आराम से चले, धीरे धीरे चले। आप आराम से माथेरन का मेन व्यू पॉइंट आप बहुत इजीली कंप्लीट कर पाओगे। चलिए अभी नेक्स्ट व्यू पॉइंट के लिए चलते हैं। हम लोग मोड़ से एक लेफ्ट हैंड साइड रास्ते से आए और देखिए ये रास्ता बहुत नैरो है। इधर है तीन पॉइंट, किंग गार्गो पॉइंट, किंग जॉर्ज पॉइंट, किंग एडवर्ड पॉइंट एंड इको पॉइंट। चलिए देखते हैं कैसा है, कैसा है। ज़्यादा बारिश होगा ना तब आप एक पॉइंट अवॉइड कर सकते हो, बहुत डेंजर है। रास्ता देखिए, रास्ता सही से नहीं है। यही है ना पॉइंट, व्यू पॉइंट यही है। हाँ ये अच्छा है। फ्रेंड्स ये व्यू पॉइंट आप आ जाइए, आने के बाद इधर से आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिलेगा। अभी इधर फॉग आ गया है, बादल आ गया है, इसलिए साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बट इधर से जो वाटरफॉल मैं ड्रोन फुटेज दिखाया था वो पूरा वाटरफॉल इधर से साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इधर से आप पूरा ये लेक का व्यू देख सकते हो इधर से। हवा कैसे चालू है देखो इधर। इतना फॉग है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये पॉइंट का नेम, ये तीन पॉइंट का नाम पे क्यों है ये मुझे पता नहीं है। आपको अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बट महाराष्ट्र बहुत खूबसूरत है। और ये नीचे वाटरफॉल है, वाटरफॉल का साउंड आ रहा है। एक साथ तीन चार वाटरफॉल, बड़े बड़े वाटरफॉल पूरा ऊपर से नीचे गिर रहे है। व्यू पॉइंट जितना खूबसूरत है, रास्ता ये बारिश के टाइम उतना ज्यादा खतरनाक है। अभी हम लोग आए हैं महाराष्ट्र के बहुत ही खूबसूरत इको पॉइंट। इको पॉइंट से माथेरन हिल्स का 360 व्यू मिलता है।
बट चारों साइड इतना फॉग, इतना बादल था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इको पॉइंट के पास 2-3 खाने पीने का रेस्टोरेंट अवेलेबल है। आप चाहो तो इधर ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स कर सकते हो। देखिए रास्ते में ऐसे बोर्ड दिया है, जैसे अभी राइट साइड में है हनीमून पॉइंट, मालांग पॉइंट एंड लुइजा पॉइंट। इतना टाइम लगेगा ये भी इधर देख सकते हो, ये 2 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट। अभी हम लोग एंट्री करेंगे हनीमून पॉइंट। हनीमून पॉइंट के पास है मालांग पॉइंट एंड लुजिया पॉइंट। ये दो पॉइंट बादल से पूरा ढक गया था, इसलिए मैं ये दो पॉइंट का वीडियो नहीं किया। अभी हमारे नेक्स्ट व्यू पॉइंट है मालांग पॉइंट। हाँ, मालांग व्यू पॉइंट के नीचे है माथेरन मालांग विलेज। ये व्यू पॉइंट से मालांग विलेज का आप खूबसूरत व्यू देख सकते हो। देखो कितना गांव, कितना बड़ा गांव बसा है इधर। हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम है ये किले, बहुत दिक्कत बोले तो। ये व्यू पॉइंट में भी हम लोगों को व्यू नहीं मिला, इतना ज्यादा बादल है, पूरा बादल से पूरा ये हिल्स पूरा कवर हो गया। माथेरन में और भी बहुत सारे व्यू पॉइंट है। माथेरन में वन नाइट स्टे करके आप व्यू पॉइंट कंप्लीट कर सकते हो। शाम को 6 बज गया था, इसलिए हम लोग आज और व्यू पॉइंट कवर नहीं करेंगे। मैं वन डे टूर में माथेरन विजिट किया था, वीडियो करने में बिजी था, इसलिए मैं लंच नहीं किया। माथेरन से वापस आमनलच जाते टाइम मुझे टॉय ट्रेन नहीं मिला। रात को 8 बजे हम लोग पैदल पहुंचे आमनलच। आमनलच से शेयरिंग टैक्सी से नेरोल पहुंच के ट्रेन पकड़ के मैं मुंबई पहुंचा। मुंबई टू माथेरन वन डे टूर में आपका खर्चा हो सकता है पर पर्सन 600 रुपीज। माथेरन टूर प्राइस के ब्रेकडाउन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माथेरन टूरिस्ट प्लेसेस टूर गाइड वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूंगा। माथेरन का ये वर्चुअल टूर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए। आप लोग महाराष्ट्र टूरिस्ट प्लेस में हम लोगों का अगला टूरिस्ट प्लेस रहेगा लोनावला।